नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पिछले दिनों जिले में 26 अनधिकृत स्कूल होने का खुलासा हुआ। इसके बाद शिक्षा विभाग ने गट शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजने और कार्रवाई करने के आदेश दिए। फिलहाल सिटी सहित जिले में स्थिति यह है कि हर गली मोहल्लों में नर्सरी कॉन्वेंट की भरमार हो गई है। इनमें नियमों का पालन भी नहीं होता, जबकि पालकों से फीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाती है। नियमानुसार पहली कक्षा से स्कूल चलाने के लिए सरकारी मंजूरी लगती है, जबकि नर्सरी KG1 KG2 के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं होती। यही वजह है कि इन दिनों सैकड़ों की संख्या में कॉन्वेंट खुल गए हैं। घर से करीब होने के कारण पालक भी बच्चों को यहाँ प्रवेश करा देते हैं। इनमें फीस भी मनमर्जी से वसूली जाती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने जिले में 26 अनधिकृत स्कूल होने का खुलासा किया। इनमें कई स्कूल ऐसे हैं जहां 5वीं तक की कक्षाएं चल रही है, इसके बाद भी शिक्षा विभाग से मंजूरी नहीं ली गई। दरअसल स्टेट बोर्ड्स के स्कूल के लिए शिक्षा विभाग से मंजूरी अनिवार्य होती है, जबकि CBSE स्कूल के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। हालांकि कोरोना वायरस अब कमजोर हो गया है, इसके बावजूद अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की भी सांसें फूलने लगती है। इस बीच बुधवार को जिले में 9 नए संक्रमित मिले, साथ ही अब एक्टिव मरीजों की भी संख्या बढ़ने लगी है। यही वजह है कि प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले कई दिनों से जिले में संक्रमितों की संख्या नियंत्रण में है। बुधवार को आई रिपोर्ट में ग्रामीण में 5 और सिटी में 4 नए संक्रमित मिले। अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ने से प्रशासन ने अब टेस्टिंग बढ़ाने की योजना बनाई है। मुंबई में पिछले 3 दिनों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जिले में इस तरह की स्थिति नहीं है। इसके बावजूद बदलते मौसम के मद्देनजर अधिकाधिक टेस्ट कराने का नियोजन किया जा रहा है। फिलहाल जिले में एक्टिव केसेस बढ़कर 32 हो गए हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में हुए खर्च का लेखा जोखा देने में बरती गई कोताही एक सदस्य के लिए भारी पड़ गई। नियमों के अनुसार लेखा जोखा समय पर नहीं दिए जाने के कारण जिलाधिकारी ने सदस्यता ही रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य हीरा डांगे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बुधवार को लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश अविनाश घरोटे ने भी महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट की धारा 14B के अनुसार नोटिस का जवाब प्रेषित नहीं किए जाने का हवाला देते हुए राहत देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही याचिका ठुकरा दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भूषण डाफले और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील निवेदिता मेहता ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि 15 जनवरी 2021 को चुनाव कराए गए, जबकि 18 जनवरी 2021 को चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का लेखा जोखा देने का नियम है। इस नियम का पालन करते हुए तहसीलदार के पास स्वयं खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। चूंकि चुनाव के दौरान कोरोना महामारी का समय था, अतः चुनावी खर्च का हिसाब ऑनलाइन पद्धति से देने के निर्देश थे। अनधिकृत रूप से नागोबा मंदिर का निर्माण किए जाने को लेकर प्रनस ने 8 अप्रैल को नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन MRTP एक्ट के तहत दिए गए नोटिस में समयावधि बीतने के बाद भी अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई नहीं की। इसके चलते शालिकराम रामटेके ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने प्रनस और नागोबा मंदिर के गुप्ता को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट SL राउत ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राउत ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिकार क्षेत्र की जमीनों पर अतिक्रमण होने पर उसे हटाने की प्रन्यास पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। संवैधानिक जिम्मेदारी होने के बाद भी अधिकारियों की ओर से इसे निर्वहन नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर विभाग का ध्यान आकर्षित भी किया गया, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया है। इससे मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रन्यास को देने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अतिक्रमण हटाने के आदेश तो नहीं दिए, लेकिन प्रन्यास का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान याचिका का निपटारा करने के संकेत दिए। मनपा चुनाव को लेकर वास्तविक लड़ाई भले ही अभी भी दूर हो, लेकिन प्रभागों के आरक्षण बदलते ही अब कई दिग्गज पूर्व पार्षद अपना प्रभाग ही बदलने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। 15 से 20 वर्षों से बतौर पार्षद इन दिग्गजों की पार्टी और नेताओं में भी पैठ है। इससे पार्षद के रूप में केवल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले छोटे और नए कार्यकर्ताओं का भविष्य दांव पर लग गया है। जानकारों के अनुसार मनपा चुनाव के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के बाद कई प्रभागों के अधिकांश बूथ एक दूसरे के प्रभागों में शामिल हो गए।
आरक्षण के बाद 26 प्रभागों में 2 महिला के लिए सीट आरक्षित हो गई, जबकि 26 प्रभागों में 2 पुरुषों के लिए सीट आरक्षित हो गई। आरक्षण निर्धारित होने से पहले तक जिस प्रभाग में आवास है उसी प्रभाग से लड़ने की दिग्गजों की ओर से संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रभाग में केवल एक ही सीट बची होने के कारण या तो नए कार्यकर्ता को दरकिनार करने की राजनीति खेलना या फिर प्रभाग बदलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जानकारों के अनुसार आरक्षण के बाद प्रभाग की स्थिति बदलने से कई दिग्गज तो दूसरे प्रभागों में किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं। मेयो मेडिकल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी नर्सों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। मांगों के संबंध में प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद नर्सें काम पर लौट आई। शाम की शिफ्ट से सभी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही मरीजों व उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन की ओर से पिछले 7 दिनों से आंदोलन किया जा रहा था। नर्सों की प्रमुख मांगों में स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की नियमित भर्ती करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, केंद्र सरकार की तरह ही नर्सिंग भत्ता देने, स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण नहीं करने, प्रशासकीय बदली रद्द कर विनती बदली करने आदि का समावेश था। नर्सों ने शुरुआत में 3 दिनों से 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया, पश्चात 2 दिन काम बंद आंदोलन किया, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बाद 28 मई से हड़ताल शुरू कर दी थी। इस बीच मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेडिकल, मेयो और सुपर में लगभग सभी मेजर ऑपरेशन रोक दिए गए। वही गंभीर मरीज भी भर्ती होने से कतराने लगे थे। शुरुआत में सरकार ने संगठन को चर्चा के लिए बुलाया ही नहीं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो मंगलवार से हलचल शुरू हुई। जहाँ एक तरफ आज विश्व में सभी चीजें बदल रही है, वही इस व्यापक बदलाव से शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इस अहम बदलाव के चलते वर्तमान परिदृश्य में हमें आज की पीढ़ी को अनेक अदृश्य परिस्थितियों के लिए तैयार करना जरूरी है, ताकि वे देश के उद्योग क्रांति को नई ऊंची दिशाओं की तरफ अग्रसर कर सके। इसके लिए आज की नई पीढ़ी में आने वाली चुनौतियों का आकलन और साथ ही उनका समुचित मूल्यांकन करने की समझ पैदा करना नितांत जरूरी है। कुछ ऐसे ही अनमोल विचार IIM नागपुर के प्रबंध निदेशक भीमराय मैत्री ने नवभारत के साथ एक वैचारिक मंच पर साझा किए। दरअसल बीते मंगलवार को नवभारत पहुंचे मैत्री संपादकीय सहयोगियों से हो रही चर्चा में कहा कि वर्तमान दौर में आज के नए लर्नर तेजी से चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहे हैं। वे अपनी कल्पनाओं की शक्ति से अब और भी ज्यादा आगे की सोच रहे हैं। हालांकि ये सच है कि वर्तमान परिदृश्य में नई कंपनियां आज की पुरानी कंपनियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही है। इसका जीवंत उदाहरण गूगल और टेस्ला जैसी नई कंपनियां हैं, जो सालों पुरानी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए अब चुनौती बन चुकी है। मनपा में एवजदार के रूप में कार्यरत सफाई कर्मचारी द्वारा जोनल कार्यालय में तबादला होने के बावजूद लाइब्रेरी विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कर वेतन प्राप्त किए जाने का मामला उजागर हुआ है। यहां तक कि लाइब्रेरी विभाग में उपस्थिति दर्शाने के लिए हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर इसे भुगतान के लिए प्रेषित किया गया। अब हस्ताक्षर बोगस हो पाए जाने का हवाला देते हुए अब लाइब्रेरी विभाग प्रमुख तथा शिक्षाधिकारी मिश्री कोटकर ने इस पूरे मामले की घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी है। बताया जाता है कि इस धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता चुटेले ने मनपा से शिकायत की थी। एक और जहां उपायुक्त से वास्तविकता की रिपोर्ट मांगी गई, वहीं दूसरे और मामले की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अतिरिक्त आयुक्त को भी दी गई है। उपायुक्त को भेजे गए पत्र में मिश्री कोटकर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने काम के लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए अन्य विभाग में कार्यरत एवजदार कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में वापस लौटने के आदेश दिए थे। इस आदेश के अनुसार लाइब्रेरी विभाग के केशव प्रसाद अवस्थी, अध्ययन कक्ष में कार्यरत एवजदार सुनील यादव को 28 मई 2015 को धंतोली जोन कार्यालय में वापस भेजा गया था और अध्ययन कक्ष का चार्ज लाइब्रेरी विभाग के कर्मचारी रत्नाकर वाहने को सौंपा गया था। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। भारत के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में से एक विदर्भ रत्न ज्ञान योगी स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें आज शाम 7:30 बजे बिशप कॉटन स्कूल सदर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार भारत के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। वे IAS, IPS, MBBS डिग्रीधारी होने के साथ ही उन्हें DLit की उपाधि से भी नवाजा गया था। उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बिशप कॉटन स्कूल सदर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है।
इसी टूर्नामेंट में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर नागपुर वासियों से उपस्थित रहने का निवेदन टूर्नामेंट के आयोजक नरेंद्र जिचकार तथा पूर्व नगर सेवक किशोर जिचकार ने किया है। आप सभी मित्रों, हितचिंतकों और अपनों का प्यार और स्नेह ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी और कामयाबी है। अपने जीवन में भले ही मैंने धन संपत्ति आदि कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन आपके दिलों में जो जगह बनाने में सफल हुआ हूँ, उसी से मैं बेहद खुश हूँ। यह सब समाज सेवा के माध्यम से ही संभव हो सका है। इस आशय के विचार समन्वय संपादक एवं विदर्भ सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद निर्वाण ने बुधवार को गीता मंदिर के प्रांगण में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित एक पारिवारिक समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जीवन यापन के लिए धन संपत्ति भी जरूरी है, लेकिन अपनों का प्यार अपनापन एक बहुत बड़ी पूंजी है जो समाज में व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। यह सब विदर्भ सेवा समिति के माध्यम से समाज हित में किए गए कार्यों से ही संभव हो सका है। गीता मंदिर के संचालक स्वामी निर्मलानंद जी ने शाल श्रीफल देकर आनंद निर्वाण का सत्कार किया और आशीर्वाद देकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल, NCCL प्रेसिडेंट कैलाश जोगानी, गिरधारी मंत्री सुधीर श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार संजय पांडे ने किया। महावितरण ने अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए हमेशा सचेत रूप से अधिकतम ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। ऑनलाइन सुविधा के कारण ग्राहक अपने बिजली बिलों का भुगतान जल्दी, आसानी से और सुलभता से कर पाते हैं। अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए महावितरण उनके बिजली बिलों पर प्रोत्साहित छूट भी देता है। महावितरण ने पिछले एक साल के दौरान नागपुर परिमंडल में अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने वाले ग्राहकों को 1.5 करोड़ रुपए की रियायत दी है। महावितरण ने अधिक से अधिक ग्राहकों को ऑनलाइन बिजली बिल भरने का आह्वान किया है। नागपुर परिमंडल में वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वाले 39,14,897 उपभोक्ताओं को 1,46,23,317 रुपए की छूट मिली है। छूट प्राप्त करने वाले ग्राहकों में नागपुर शहर परिमंडल में सबसे अधिक 28 लाख के साथ नागपुर ग्रामीण मंडल में 6 लाख तथा वर्धा मंडल में 5 लाख ग्राहकों का समावेश है। नागपुर शहर परिमंडल के तहत सर्वाधिक 27 लाख ग्राहकों को 1,12,00,000 रुपए की रियायत दी गई है। हाल ही में अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेटी सावनेर में अहिल्याबाई होलकर जयंती ऑनलाइन मनाई गई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की यह 297वीं जयंती है। उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने की। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने उनके रेखाचित्र तैयार किए, कुछ विद्यार्थियों ने स्लोगन्स लिखे और कुछ विद्यार्थियों ने अपने विचार भाषण के माध्यम से स्कूल के स्थायी विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साझा किए। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना की एवं सहभागी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा मोतीबाग स्थित नैरोगेज रेल संग्रहालय में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए हुई चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस के मद्देनजर 5 जून को प्रदान किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को ओनली वन अर्थ या केवल एक पृथ्वी का नारा दिया है, अतः इसी नारे को चित्रकला प्रतियोगिता का विषय बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 25 बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया तथा पृथ्वी एवं पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर सुंदर चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा और जागरूकता का परिचय दिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित मुख्यालय में महाप्रबंधक आलोक कुमार के हस्ते पुरस्कृत किया जाएगा। नरखेड़ निवासी दिनेश खत्री के होनहार सुपुत्र विशाल खत्री के IAS बनने पर पंजाबी समाज में हर्ष व्याप्त है। पंजाबी साहित्य कला मंच के संस्थापक एवं राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सतीजा ने विशाल का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी शानदार उपलब्धि से अपने परिवार और समूचे पंजाबी समाज का गौरव बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि विशाल का शैक्षणिक सफर संघर्षपूर्ण भरा रहा है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई नगर परिषद के स्कूल में हुई, फिर शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर में अध्ययन करने के बाद उनका चयन गौरवशाली IIT पवई के लिए हुआ। उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 5वां स्थान हासिल किया। अंततः कड़ी मेहनत कर IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री अग्रसेन छात्रावास का विद्यार्थी CA
ईशु अग्रवाल धम्मतरी छत्तीसगढ़ निवासी सिविल सर्विस परीक्षा मेन 2021 में ऑल इंडिया 21वीं रैंक लेकर उत्तीर्ण हुआ। वह श्री अग्रसेन छात्रावास में सन 2015 से 2018 तक रहकर नागपुर की सीए फर्म गुप्ता सारडा बगड़िया से सीए कर अपने होम टाउन धमतरी में रहकर परीक्षा दी। श्री अग्रसेन छात्रावास के पूर्व सचिव सीए कैलाश जुगानी को ईशु ने फोन कर बताया कि उसने बगैर कोई कोचिंग के 2 वर्ष घर पर ही रहकर तैयारी कर सिविल सर्विस परीक्षा पास की। पिछले वर्ष भी बैतूल निवासी छात्रावास के छात्र श्रेयांश सुराना ने भी सिविल सर्विस मेन उत्तीर्ण किया था। श्री अग्रसेन के अध्यक्ष शिव किशन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनंत कुमार अग्रवाल, मंत्री लक्ष्मीकांत अग्रवाल, सहमंत्री आनंद मेहाड़िया, पूर्व मंत्री सीए कैलाश जोगानी तथा मंडल के सभी सदस्य व वार्डन सुरेंद्र गुप्ता ने ईशु अग्रवाल को बधाई दी। पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस इस साल शुक्रवार 3 जून 2022 को जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आरंभ दोपहर 2 बजे पंचश्री जपू जी साहिब के पाठ से होगा। दोपहर 3 बजे पूरे विश्व व परिवार में सुख शांति हेतु श्री गुरु अर्जन देव द्वारा रचित श्री सुखमणि साहिब का पाठ उपस्थित श्रद्धालुओं व रागियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा। शाम 5 बजे एडवोकेट माधवदास ममतानी श्री गुरु अर्जन देव के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का समापन शाम 6 बजे आरती 11 गुरुओं की व आदिशक्ति भवानी माता की स्तुति अरदास व प्रसाद वितरण के साथ होगा। कार्यक्रम के आरंभ से अंत तक गुरुजी की याद में मसालेदार चना व मीठा जल शरबत का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिवर्ष नगर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण हिस्सा लेते हैं। श्रद्धालुओं को कार्यक्रम तक लाने व ले जाने की व्यवस्था मंडल के निजी वाहनों द्वारा निःशुल्क की गई है। कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी के अनुसार मंडल द्वारा शहीदी दिवस मनाने का यह 52वां वर्ष है। उन्होंने सभी से कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। वाड़ी परिसर में विविध व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट, नौकरी निमित्त बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय निवास करते हैं। वाड़ी में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, जहां जयंती पुण्यतिथि पर नियमित रूप से उनका अभिवादन किया जाता है। उत्तर भारतीय व करणी सेना समाज के आदर्श ऐतिहासिक राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ऐसे समय अभिवादन करने को समाज बंधुओं को सुविधा हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए वाड़ी परिसर में महाराणा प्रताप की मूर्ति निर्माण करने की मांग श्री राजपूत करणी सेना ने की है। करनी सेना के पदाधिकारी प्रमोद सिंह, मानसिंह ठाकुर, प्रवीण सिंह, सुष्मित सिंह राजपूत आदि ने इस विषय के बारे में ज्ञापन वाड़ी नगर परिषद के मुख्याधिकारी विजय देशमुख को देकर वाड़ी में उचित चौक पर यह प्रतिमा निर्माण करने का आग्रह किया। इसी आशय का निवेदन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे को भी भेजा गया। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह, टिंकू सिंह, सुनील सिंह, लाला सिंह, ब्रजेश मिश्रा, पीएस तिवारी, ओम तिविस्कर, मुकेश सिंह, सुमित ठाकुर, लकी गुप्ता, पवन सिंह आदि उपस्थित थे। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल की ओर से जरीपटका स्थित मातेश्वरी भवन में हिट्स ऑफ गुलजार कार्यक्रम का शानदार यादगार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना मंडल अध्यक्ष अर्जुनदास आहूजा ने रखी। मंच संचालन क्रमश संस्था महिला प्रमुख संगीता दलवानी व सुप्रसिद्ध उद्घोषक रज्जक भाई ने किया। सुरभि ढुमने, श्रिया मेंढे, अजय मलिक, मुकुल पांडे ने एक से बढ़कर एक गुलजार के लिखे गीतों की प्रस्तुति दी। मोरा गोरा अंग आने वाला पल जाने वाला है, मुसाफिर हूँ यारो आँखों में हमने आपके, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिल ढूंढता है फिर वही, चप्पा चप्पा, कजरारे कजरारे, नाम गुम हो जाएगा, एवं अंत में जय हो गाकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वादक कलाकारों में तबले पर सचिन ढुमने, ऑक्टोपैड पर सुभाष वानखेड़े, माइनर पर विक्रम जोशी, कीबोर्ड पर महेंद्र ढोले, गिटार पर मनोज चिरागते ने साथ दिया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,777 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,63,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 6,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।